हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्राफ्टेरिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलें। ड्राई क्लीनिंग्स पे हम बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा यूनिक और बहुत ही इजी तरीका जिससे आप अपने घर पर अपने बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़ को, अपने कारपेट्स को, अपनी कोई भी डेलिकेट चीज़ को आराम से ड्राई क्लीन कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही मामूली स्टेप्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ये है मेरे बच्चों का पुराना टेडी जिसे वो काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं और इस तरह उसकी हालत ख़राब कर दी है इन्होंने, इस पे जंप कर करके इसे खेल खेल के। तो हम बच्चों को कितना भी मना करें पर वो अपने टॉयज़ को हर जगह गिराते हैं। तो आज हम इसको ठीक करेंगे और इसको ड्राई क्लीन करेंगे घर पर ही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका ये जो स्पेशली फॉर यू वाला जो कुशन इसके साथ अटैच है इसको हटा दूँगी। ये काफ़ी मुझे अजीब सा लगता है, ये एक टॉय जैसी फीलिंग ही नहीं देता, ये एक डेकोरेटिव पीस जैसी फीलिंग देता है। तो इसको मैं हटा दूँगी और इसको हम अच्छे से रिपेयर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ सिंपल सुई धागे को लेकर मैं एक रनिंग स्टिच से इसको स्टिच कर दूँगी। ये डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें हैं जो हम घर में यूज़ करते रहते हैं, इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हम घर पे करते हैं बस वही चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम एकदम इसको स्टिच कर देंगे, अच्छे से इंटैक्ट कर देंगे। आप डबल थ्रेड की स्टिचिंग करिएगा क्योंकि फ्यूचर में भी अगर बच्चे इस पर कूदते हैं तो ये जल्दी से वहाँ से टियर नहीं होगा। बड़ी चीज़ों को हम वॉश नहीं कर सकते, स्पेशली ऐसे टॉयज़ को घर पर, तो इन्हें ड्राई क्लीन करना ही एकमात्र सोल्यूशन रहता है। तो आज हम घर पर इनकी ड्राई क्लीनिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो मैजिक इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जिसको मैंने मिक्स कर लिया है, इक्वल प्रोपोर्शन में तो नहीं पर 3:1 के रेशियो में, और उसको पानी के साथ मिक्स करके एक सोल्यूशन बना लिया है। अब इसको मैं स्प्रे कर रही हूँ थोड़ी दूरी से ताकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में एक जगह ना ठहरे, और सिंपल अपने एक वाइट कॉटन क्लॉथ से, ड्राई क्लॉथ से इसको मैं रब कर रही हूँ। तो आप रब करके जितनी भी डस्ट होती है उसको निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगी वो, क्योंकि ये डस्ट बहुत ही माइन्यूट डस्ट होती है जो इन टेडीज़ पे, ऐसे सॉफ्ट टॉयज़ पे बैठ जाती है। अगर आपके पास ऐसे बड़े सॉफ्ट टॉयज़ हैं जिनको आप बाहर से ड्राई क्लीन करवाते हैं तो आपको पता होगा कि बाहर से ड्राई क्लीनिंग करवाना ऐसे टॉयज़ को कितना महंगा पड़ता है। मैंने भी इस टेडी को कई बार ओकेजनली बाहर से ड्राई क्लीन करवाया है, बट मैंने सोचा क्यों ना घर पर इसे ट्राई किया जाए, और पहली बार का ही मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग रहा है। अब मैंने सोच लिया है कि बाहर से अब मैं इन चीज़ों को ड्राई क्लीन कभी नहीं करवाऊंगी। आप मिनिमम चीज़ों को, घर पे पड़ी चीज़ों को यूज़ करके इसे ड्राई क्लीन कर सकते हैं, तो बाहर फालतू पैसे वेस्ट क्यों करें। स्प्रे करने के बाद हम इसे अच्छे से रब करने के बाद पूरे टेडी को इसी तरह से ड्राई क्लीन करेंगे, और वो भी सेक्शंस में, क्योंकि टेडी बहुत बड़ा है इसलिए आप इसको एक साथ सारा नहीं कर पाएंगे, तो इसे सेक्शंस में डिवाइड करके इसे हम क्लीन करेंगे। तो फेस के बाद जैसे हाथ हो गए, फिर पैर हो गए, तो इस तरह हम सेक्शंस में इसे क्लीन करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हम एक हेयर ड्रायर लेंगे और इसको हम ड्राई करेंगे, क्योंकि ये ड्राई क्लीनिंग करेंगे हम, इसे बिल्कुल भी गीला नहीं करेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसके ऊपर। तो हम सीधा ब्लो ड्रायर करेंगे इसको, और सेक्शंस को हम देखेंगे कि हमने कितना इसे क्लीन किया है और कितना क्लीन बाकी है। तो जैसे मैंने उसे ड्राई किया तो मुझे पता चला कि साइड में भी इसके डस्ट है जमी हुई। तो इस तरह से हम इसे क्लीन कर देंगे अच्छे से, और थोड़े थोड़े जहाँ भी डस्ट आपको लगे वहाँ से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से मैंने इसे क्लीन कर दिया है, और इस तरह से हम ब्लो ड्राई करके देखेंगे कि हमें और कहीं ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत तो नहीं। तो फाइनल स्टेप में खाना वाना खा के मैं फ्री हो गई हूँ, और अब मैंने इसे पूरा ड्राई कर दिया है, और देखिए इसका रिज़ल्ट कितना सुंदर आया है। ये बिल्कुल बाहर से ड्राई क्लीन किया हुआ लग रहा है, और अब ये बिल्कुल नए टेडी जैसा ही लग रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ इसके ऊपर भी मॉडिफिकेशन किया है,
यहाँ मैंने इसे अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहना दी है, जिससे ये काफ़ी सुंदर और क्यूट लग रहा है अब। और अब मेरे बच्चों को इस पे खेलने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब ये इस छोटे टैडी का बड़ा भाई लग रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये छोटी सी DIY ट्रिक, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। टेक केयर, बाय बाय।